सो गाइस अभी हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया हुआ है जो कि सैमसंग गलेक्सी नोट 10 प्लस मॉडल है और ये कर्व डिस्प्ले वाला एक थोड़ा सा महंगा फ़ोन है। तो आपके पास भी ऐसा फ़ोन ज़रूर आता होगा आपकी दुकान पे, या फिर आपके पास ऐसा कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन नहीं आता होगा तो कभी ना कभी ज़रूर आएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे पासवर्ड वगैरह लॉक लग गया है और कस्टमर भूल गए हैं तो आपको कैसे इसको अनलॉक करना रहता है, यही चीज़ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो FRP तो अनलॉक करने के बारे में आप जानते हो सैमसंग में, कैसे उसके अंदर सेटिंग वगैरह में जाके और YouTube खोल के और उसमें जाके FRP बाईपास किया जाता है। लेकिन इस फ़ोन में एक दिक्कत आती है कि इसको रिकवरी मोड में कैसे जाएं, जो बटन दबा के आप लोग फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हो वो कैसे करें, तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। और अगर आप चाहोगे इसको डायरेक्ट स्विच ऑफ करने के लिए तो ये स्विच ऑफ भी नहीं होगा बिना पासवर्ड के, इस फ़ोन में ये भी एक कंडीशन है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप दबाओगे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों को प्रेस करके आप जितनी देर मर्जी रखो ये फ़ोन स्विच ऑफ होगा, चालू होगा, लेकिन आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। आप चाहे वॉल्यूम अप बटन दबाओ चाहे वॉल्यूम डाउन अप, दोनों साथ में दबाओ, ये किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाला। इसमें एक पुराने मॉडल का जो सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन है, जो महंगे फ़ोनों में जो एक पुराने मॉडल का फ़ोन है, उसमें क्या करना पड़ता था कि वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना रहता था, और जैसे ही आपका ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस लिखे तुरंत आपको पावर बटन दबा के रखना ही है, लेकिन वॉल्यूम डाउन से हाथ हटा के सीधा वॉल्यूम अप पे दबा देना है और ऐसे दबा के रखना है। तो देखिए मैं वैसे भी करके देख रहा हूँ, तब भी ये फ़ोन आपका देखिए ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तुरंत ही खुल जा रहा है। तो आपको ये मेथड लेकिन ट्राई करके देखना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये फ़ोन पुराने मॉडल का है कि नया मॉडल का है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है कि अब नया तरीका है कि आपको चार्जिंग में लैपटॉप कनेक्ट करना है और लैपटॉप से केबल कनेक्ट करके और चार्जिंग में लगा देना है, और जैसे ही लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे अब आपको वही चीज़ दोबारा ट्राई करना है जैसे आप प्रोसेस किए थे, सेम प्रोसेस। इसमें क्या करना है कि बिना चार्जिंग के किए थे अब चार्जिंग के साथ में करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है तो इसको ओके करके हटा देना है। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है लगातार। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है, और जैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पे देखिए थोड़ी देर रुकेंगे आप 5-10 सेकंड तक तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। अब स्विच ऑफ जैसे ही हुआ तुरंत आपको वॉल्यूम डाउन से हाथ हटा के और वॉल्यूम अप बटन पे दबा देना है, और पावर बटन पे हाथ वैसे ही रखे रहना है। अब जैसे ये सैमसंग गैलेक्सी लिख दे तो पावर बटन से भी हाथ हटा देना है और आपको ऊपर वाले बटन को दबा के रखना है। देखिए ये कंडीशन हम किए तो हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में चला गया। अब अगर ये ट्राई आप चाहे जितना भी करते बिना चार्जिंग में ला के तो ये नहीं जाता। तो हमने ऐसे तरीके से किया तो ये देखिए किस तरह से रिकवरी मोड में चला गया। अब आप इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और फैक्ट्री डाटा रीसेट होने के बाद आपको पता ही है कि ये फ़ोन तुरंत फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाने के बाद से आप इसको जब चाहो तब इसको स्विच ऑफ खोल के रखा सकते हो और इसका FRP वगैरह हटा सकते हो। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे क्योंकि ये फ़ोन जब रिकवरी डाटा में चला जाता है तो थोड़ा सा खुलने में समय लगता है, तो थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे। इसको यहाँ पे इसको ओके कर देना है, अब आपका फ़ोन अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन में जब भी आप इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट से इसका फॉर्मेट करते हो तो आपको फ़ोन का जो होता है वो थोड़ा खुलने में समय लगता है, और जो पुराने मॉडल का फ़ोन है उसको तो ज़्यादा ही समय लगता है खुलने में, किसी किसी में 10-15 मिनट तक ही फ़ोन ऐसे लोगो मोड पे रुका रहता है। तो इस चीज़ के लिए आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा देर वेट करें, क्योंकि मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रख देता हूँ ताकि आपका समय बचे, तो आपको कम समय में ही आपका ये फ़ोन अभी चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आपको मैं एक बार मेथड फिर से समझा देता हूँ, आपको फ़ोन चालू स्क्रीन रखना है, स्क्रीन का लाइट जलते रहे, आपको क्या करना है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखना है, और जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जैसे ही इसका फ़ोन का लाइट बंद हो तुरंत आपको वॉल्यूम अप बटन दबा देना है, पावर बटन से हाथ नहीं हटाना है, केवल वॉल्यूम डाउन को हटा के पावर वॉल्यूम अप बटन पे दबाना है, न कि पावर बटन। पावर बटन आपको हमेशा नॉन स्टॉप दबा रहेगा, और उसके बाद से जब सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जब इसका लोगो आ जाए तब आपको पावर बटन से भी हाथ हटा देना है, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। ये मेथड है इसका, मैं आपको स्क्रीन पर शो भी करा देता हूँ। तो इस तरह से आप चाहे तो इस फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो इसका पासवर्ड वगैरह, लेकिन FRP हटाने के लिए आपको दूसरा मेथड ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए आपका इसको जीमेल पे बाईपास करके जाना रहता है, उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूंगा किस तरह से इसका FRP बाईपास करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको सैमसंग का बहुत सारे मॉडल का मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे बना रखा है, आप जाके देख भी सकते हो। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अगर आपके लिए नॉलेजफुल होगा तो आप लाइक करिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते हो, हम आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के लाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।